मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आगे का जब से ऑपरेशन हुआ ना कुछ इशू होते आ रहा था, तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कोई वीडियो वगैरह शूट कर पाऊँ और नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो भले बच्चों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद तो ऐसा काम होते ही रहेगा। वैसे ये भी काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पर काम करते हैं तो ये हमारा एक रूटीन होना चाहिए, ये हमारा एक वर्क है। हम कुछ सोच के ही यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी रहा कि बहुत दिनों तक मेरा वीडियो कोई नहीं अच्छे से आया, कोई ब्लॉग नहीं शूट मैं कर पा रही थी। तो फाइनली मैं स्टार्ट करना जब भी चाह रही हूँ तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करते रहूँगी कि मेरा वीडियो रेगुलर जाए। तो अभी ठीक है आधी, लेकिन अभी मतलब रेसिपी वगैरह भी मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, इसलिए कि बिल्कुल सिंपल खाना बन रहा था आदि के चलते, क्योंकि अगर घर में बनेगा तो बच्चा तो खाना चाहेगा ही, और उसको बिल्कुल भी ये सब खाना मना है। बिल्कुल सिंपल खाना, उसे तेल मसाला वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना, हल्का फुल्का खाना ऐसे डॉक्टर ने बोला है चाहिए, बस बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं देना है और बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं देना है। तो सब मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत काम है, बहुत सारा चीज़ आप लोगों से शेयर भी करना है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी कि मैं स्टार्ट करूँ। मैं जैसे जैसे कंफर्टेबल हो रही हूँ मैं सब करूँगी भी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज एक सिंपल सा पनीर का रेसिपी बनाएंगे, जिसमें तेल मसाला बहुत ही कम पड़ता है, ताकि आदि भी खा सके। तो वही मैं बनाने जा रही थी, मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग शेयर करूँ। वैसे वो मटर पनीर है, सुखाना मसाला जो ऑलरेडी बना हुआ आता है मार्केट से, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत ईजी होता है और बहुत सिंपल है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बनाने, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत लोग बनाते भी होंगे और जो लोग नहीं बनाते हैं प्लीज़ इसे देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही टेस्टी, बनाना बहुत ही इजी है, ताकि आदि खाए, क्योंकि कुछ भी ये खा नहीं रहा है, तो कुछ थोड़ा सा चेंज करके मैं दूँगी। तो चलिए मैं वही बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ब्लॉग से बने रहिएगा। इस पनीर की सब्ज़ी को ना मैं बटर एक ही में नहीं बनाऊँगी, सरसों के तेल में बनाऊँगी, रिफाइंड ऑयल में भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो हार्मफुल होता है और ज़्यादा रिच में नहीं बनाना है, क्योंकि आदि के लिए हार्मफुल होगा। तो मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, और सरसों का तेल ना हेल्थ के पर्पज़ से बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए, इसमें हमने सिर्फ दो मीडियम साइज़ का टमाटर पीस लिया था मिक्सी में, इसका प्यूरी बनाकर हमें इसे भून लेना है, सिर्फ सिंपल तेल में डालकर इसे भून लेना तेल सेपरेट होने तक। और ये है सुहाना का पनीर, बटर पनीर मसाला। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे दूध में भी घोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिच नहीं बनाऊंगी, मैं इसे लाइट रखने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाइट ही रखूँ, रिच नहीं बनाऊंगी। तो इसको मैं पानी डाल के थोड़ा थोड़ा हमें इसे अच्छे से इस वो मिक्स कर लेना है। तो एक हमारा ये मसाला तैयार हो गया। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें नमक वगैरह कुछ भी आपको ऐड नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी अब ऐड नहीं करना है, बस ये मसाला सफिशियंट है। तो देखिए, ये टमाटर अच्छे से भुन चुका है और तेल सेपरेट हो गया है, तो तब इसमें मैं मटर डाल दूंगी, फ्रोजन मटर है, अगर आपके पास फ्रेश है ना तो उसे उबाल ले, पहले बॉईल कर ले अच्छे से। तो इसे मैं टमाटर के साथ 2 से 3 मिनट इसे भून लूँगी, थोड़ा ढककर भून लूँगी, उसके बाद इसमें मैं मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें मसाले हमने डाल दिए, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी उसी बर्तन में जो मसाले लगे हुए हैं ना, पानी डालकर इसे भी हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे मटर के साथ, इसे भून लेंगे, ढक देंगे और ढककर इसे 2-3 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। देखिए कितना बनाना आसान है। और इधर मैं सैलेड भी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं गरम गरम रोटी बनाऊँगी और सबको खाना खिला दूँगी, तो सैलेड भी कट हो गया। और देखिए, मसाला भून चुका है, तब इसमें हम पानी अब डालेंगे, तो पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना होता है। देखिए, तेल सेपरेट हो गया है, तो ये भून चुका है अच्छे से, बनाना बहुत ईजी है ना, बहुत कम समय में ही बन जाता है। तो इसमें ना हम पानी डालेंगे, तो पानी हमें बस थोड़ा ही डालना है, इसकी ग्रेवी थिक ही रहती है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो डाल लेंगे इसे। और इसके साथ साथ हमने पनीर भी हमने जो कट कर लिया ना, उसे भी ऐड कर देंगे इसी में, बस इसे ढक देंगे और 2 मिनट और पका लेंगे। तो है ना बनाना आसान, बहुत ईजी और बहुत टेस्टी लगता है, इसकी खुशबू ना पूरे घर में फैल गई, पता चल गया कि ये बन रहा है। तो देखिए, तैयार हो गया, तो बढ़िया सा हमारा एक सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ही लगता है, बहुत टेस्टी। आप जब मन हो फटाफट से बना ले, थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निश कर दे, और देखिए हमारा एक बढ़िया सा सब्जी बन के रेडी हो गया। बहुत ही बड़ा मसालेदार, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अब मैं वीडियो लेकर आऊँगी, छोटा बड़ा जो भी होगा मैं जिस तरह का भी शूट करूँगी जरूर लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। वैसे भी मेरा बहुत चैनल स्टार्ट किए बहुत समय हो गया और मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ को बहुत सारा काम होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि घर बच्चे सब देखना होता है, सभी उसको जरूर उसको समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू एंड बाय।